हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो, क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। और दोस्तों डेली इवनिंग में ऑडियो रिविज़न कराया जाता है वहीं ऐप पर, तो आप लोग डेली 5 मिनट में ऑडियो रिविज़न भी कर सकते हो। इसकी क्विज के साथ साथ वीडियोस, ऑडियो रिवीजन, PDF फाइल्स और ई बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का ऑफिशियल मोटो है CTS, LTS और 4TS। अगला था, गोवा में आयोजित हुए 5वें डिफिकल्ट डायलॉग्स की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी स्टेट ऑफ लॉ। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं अब आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे या वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2020? तो ये मनाया गया दोस्तों 20 फरवरी को। कब मनाया गया? 20 फरवरी को मनाया गया। एक्चुअली में इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 2008 में 10 जून को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे अपनाया था। तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्वभर में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए। तो इस बार की इसकी थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है क्लोजिंग द इनइक्वलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्लियर है? अब ये तो है दोस्तों इंपॉर्टेंट डे फरवरी मंथ का। काफ़ी दिन हो गया मैंने आपका रिविज़न नहीं कराया है, चलिए अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फरवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं अभी तक के सभी को। तो 2 फरवरी को दोस्तों सबसे पहले मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। 4 फरवरी को ही श्रीलंका ने अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। 10 फरवरी को दोस्तों मनाया गया वर्ल्ड पल्सेस डे यानी कि विश्व दलहन दिवस। और 11 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड यूनानी डे। अच्छा, 11 फरवरी को ही एक और डे मनाया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस। 12 फरवरी को मनाया गया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और 13 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को ही मनाया गया था नेशनल वीमेंस डे। और 15 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। और अब जाकर 20 फरवरी को मनाया जा रहा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, 19 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में नेपाल ने दोस्तों 19 फरवरी 2020 को अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है। नेपाल में नेशनल डेमोक्रेसी डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो फाल्गुन मंथ होता है, हिंदी का फाल्गुन महीना होता है, उसके 7वें दिन मनाया जाता है नेपाल के सरकार द्वारा। क्लियर है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस दिन को ही 104 सालों का तानाशाह शासन इनका खत्म हुआ था नेपाल में। ठीक है, तानाशाह राणा शासन था, उसको खत्म किया गया था 104 सालों तक जो कि चला था। उसी के बाद आज़ादी जो मिली थी उसी के उपलक्ष में नेपाल में मनाया जाता है नेशनल डेमोक्रेसी डे। अच्छा दोस्तों, नेपाल जो है एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, तो यहाँ पर लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जनरली आप सुनते होंगे कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस ये सब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र दिवस मनाया गया यानी कि लोकतंत्र यहाँ पर शुरू हुआ था। जो वहीं के राजा थे उन्हीं की तानाशाही चलती थी, तो अब वहाँ पर लोकतंत्र लागू हुआ था, तो उसी की 70वीं वर्षगांठ है जिसके अवसर पर मनाया जा रहा है नेपाल में लोकतंत्र दिवस। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। भारत का पड़ोसी देश ये रहा नेपाल। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। विद्या देवी भंडारी जी यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। नेपाली रुपया यहाँ की है मुद्रा। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ की राजभाषा नेपाली है और सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, असम का पहला शून्य कचरा शहर कौन बना? तो असम का पहला शून्य कचरा शहर जीरो वेस्ट सिटी बन गया है टिटबोर। असम का टिटबोर शहर कचरे के मैनेजमेंट में, वेस्ट के मैनेजमेंट में हाईएस्ट स्टैंडर्ड गेन किया है इसने और अब बन गया है असम का टिटबोर शहर, असम का पहला शून्य कचरा शहर यानी कि जीरो वेस्ट सिटी। ये कौन से मानक पर डिसाइड होता है? तो दोस्तों इसका ये स्टैंडर्ड होता है, अगर कोई भी शहर है वो 80% से ज़्यादा कचरे का जो मैनेजमेंट है, कचरे की मैनेजमेंट प्रोसेसिंग करने में सफल हो जाता है 80% मिनिमम, तो फिर वो सिटी अपने आप को जीरो वेस्ट सिटी कहलाने का दावा कर सकती है। क्लियर है? तो असम की टिटबोर सिटी बन गई है
असम की जीरो वेस्ट सिटी। ओके, अब असम आया है, असम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ जानिए। असम देख लीजिए मैप में, ये रहा दिसपुर, यहाँ की राजधानी है। सर्वानंद सोनोवाल बीजेपी से, यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभयारण्य है असम में ही। असम किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो दोस्तों, असम अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से और पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। असम एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। असम में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में पर ही दोस्तों बना है बोगीवेल ब्रिज, और बोगीवेल ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2020 को अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 20 फरवरी 2020 को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आया था, अस्तित्व रूप में पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। एक्चुअली में दोस्तों पहले, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक जाना जाता था नेफा के नाम से। किस नाम से? नेफा के नाम से, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेफा का मतलब होता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी। तो 1972 के पहले ये इस नाम से जाना जाता था। फिर बाद में 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अच्छा, जब ये यूनियन टेरिटरी बनाई गई तो उसी टाइम पर इसका नाम रख दिया गया था अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? फिर जा करके 20 फरवरी 1987 को इसको बना दिया गया, इसको दे दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा। क्लियर है? तो ये तो थी अरुणाचल प्रदेश की कहानी। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस इस बार 34वां मनाया जा रहा है, ठीक है, 20 फरवरी 2020 को। क्लियर है? बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले अपना नया लोगो लॉन्च किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अरुणाचल प्रदेश आया है तो मैप में देख लीजिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। पेमा खांडू बीजेपी से, यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। बीडी मिश्रा है यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर। अरुणाचल प्रदेश मैप में देख लेते हैं, 20 फरवरी 1987, जैसा कि मैंने आपको बताया, किससे किससे अपना ये बॉर्डर शेयर करता है? तो ये असम से और नागालैंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में रन फॉर टी नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा में रन फॉर टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसको भारतीय चाय बोर्ड और त्रिपुरा चाय विकास निगम दोनों ने साथ मिलकर इसको आयोजित किया, रन फॉर टी नाम का ये कार्यक्रम। क्लियर है? क्यों ये आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? तो दोस्तों, त्रिपुरा की चाय को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, फेमस बनाने के लिए, साथ ही साथ इसे देश भर में प्रचार प्रसार करने के लिए, जिससे देश भर में त्रिपुरा की चाय के उद्योग को, इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, इसी वजह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम रखी गई है टेस्ट द फ्लेवर ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में आयोजित हुआ रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम। क्लियर है? अब त्रिपुरा आया है तो त्रिपुरा के बारे में भी जान लीजिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। विप्लव कुमार देव बीजेपी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं रमेश बैस जी। त्रिपुरा कहाँ पर है? त्रिपुरा ये देखिए, ये रहा मैप में त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 में ये अस्तित्व में आया था, स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था इसे। त्रिपुरा दोस्तों तीन तरफ से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। ऑप्शंस में आपको मिजोरम दे देगा, मेघालय दे देगा, त्रिपुरा दे देगा, या आसपास की यहीं की कोई भी और स्टेट का नाम दे देगा। तो आप लोग अब से याद रखेंगे कि त्रिपुरा ही तीन तरफ से घिरा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी के CEO ने बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत की है। बेजोस अर्थ फंड क्या होगा? तो ये फंड दोस्तों क्लाइमेट चेंजेस से लड़ने के लिए स्थापित किया गया है, शुरू किया गया है। अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने शुरुआत में ही इसमें $10 बिलियन की धनराशि जमा की है। कितने की? $10 बिलियन की धनराशि। ये जितनी भी धनराशि होगी इस फंड के तहत जो इकट्ठा होगी, उसका यूज दोस्तों क्लाइमेट साइंटिस्ट को लेकर के, क्लाइमेट एक्टिविस्ट के ऊपर, या फिर क्लाइमेट चेंजेस से लड़ने वाले जो भी होंगे उनकी सहायता के लिए ये यूज किए जाएंगे, बेजोस अर्थ फंड। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंजेस से, यानी कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है,
एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी दोस्तों इंडिया करेगा, भारत करेगा इसकी मेज़बानी। 2022 में होने वाला है एएफसी महिला एशिया कप, ये फुटबॉल का कप है। इसकी घोषणा अभी हाल ही में एएफसी के द्वारा मलेशिया के कुआलालंपुर में की गई है। एएफसी क्या है? एएफसी का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, यानी कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ। अच्छा, हम लोग यहाँ से एक पॉइंट का रिवीजन करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत इस साल के अंत तक फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। अभी कल की भी वीडियो मैंने आपको बताया था कि 2 नवंबर से शुरू होगा इंडिया में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, जो कि भारत के 5 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है, 22वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 20 फरवरी 2020 को इसके गठन की मंजूरी दी है। किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ये आयोग दोस्तों अपनी ऑफिशियल डेट से अगले 3 वर्षों के लिए काम करेगा। कितने वर्षों तक के लिए? 3 वर्षों के लिए। ये विधि आयोग होता क्या है? तो विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन दोस्तों एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि सरकार द्वारा, जो भी केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा ये समय समय पर गठित की जाती है। क्लियर है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पर ये नहीं था, बाद में जब ज़रूरतें पड़ी तब फिर किसी बॉडी का, किसी आयोग का गठन जो किया जाता है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। जैसे नीति आयोग हो गया, ठीक है, योजना आयोग था, और ऐसे ही अब विधि आयोग था। ऐसे ही जो जो भी आयोग है या जो जो भी चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं, जिनका गठन संविधान के निर्माण के बाद किया गया, उसे हम लोग गैर संवैधानिक कहते हैं या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व फिक्की अध्यक्ष का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में V.L. दत्त जी का निधन हो गया। ये फिक्की के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, V.L. दत्त। ये बिजनेसमैन भी थे और के सी पी लिमिटेड के ये कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिक्की के कब ये अध्यक्ष थे? तो ये दोस्तों 1991 से 92 तक ये फिक्की के अध्यक्ष रहे थे, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो फिक्की की वर्तमान अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी, भी ऑप्शन में जो आपको दिख रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त कौन बनाए गए? तो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर बनाए गए हैं बैरी ओ फ्रेल। ये दोस्तों हरिंदर सिद्धू का स्थान लेंगे। हरिंदर सिद्धू 2016 से ही इस पद पर हैं। कब से हैं? 2016 से ही। तो अब इनकी जगह पर बैरी ओ फ्रेल आ जाएंगे। बैरी ओ फ्रेल के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये 1995 से 2015 तक न्यू साउथ वेल्स की संसद में काम कर चुके हैं, बैरी ओ फ्रेल। तो भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर अब होंगे बैरी ओ फ्रेल। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है, संसद का नाम होता है पार्लियामेंट, यहाँ के PM है स्कॉट मॉरिसन। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जनवरी मंथ की मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए और अपना मंथली करंट अफेयर का रिविज़न कर लीजिए। रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आपके आज के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे में आपका पहला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था? याद रखिएगा, 2019 की बात हो रही है। अगला, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का फाइनल मैच किस शहर में खेला जाएगा? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है गुरुदेव यादव, गुड्डू कुमार, हर्ष सत्या, हर्ष सोनी, राकेश ढाका, मोहम्मद जीसान, सुरभि गुप्ता, शुभम कुमार, रविशंकर, ज्योति पचौरी, दीपिका, सुजीत कुमार, श्याम शेर कुमार, कृतिका और मंटू कुमार। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।